मॉर्निंग, हैप्पी विंटर। आज ना हम लोगों का बर्थडे पार्टी इनविटेशन है, मच वेटेड एक्चुअली। बहुत दिन बाद हम फिर से फ्रेंड से मिलेंगे, कोलकाता जाने से एक हफ्ता पहले मिले थे। फ्रॉक निकाला है जो अनिवान की दीदी ने दिया था, वो आज पहनेगी। ग्लाकू ग्लाकू उठ गई क्या? ग्लाकू उठ गई। सिंह जी गुड मॉर्निंग। शाम को कल ऐसा समोसा खाया गाइस कि हम डिनर ही नहीं कर पाए। सो परसों ना मम्मी ने दम आलू बनाया था जो थोड़ा सा बच गया था, तो उसके साथ राइस अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैंने बोला मम्मी सुबह को फिर रोटी बना दो। जनरली हम लोग ना रोटी नहीं खाते हैं ब्रेकफास्ट में, डोसा इडली ये सब खाते हैं, तो वो मम्मी बना रही है, मतलब रोटी बना रही है। मम्मी का स्पेशल दम आलू। ग्लाकू के लिए ना मैं बना रही हूँ प्रेशर अट्टू। तो ग्लाकू के लिए मैं मेनली यूज़ करती हूँ ऑलिव ऑयल, ये डिज़ानो की है। ऑलिव ऑयल में ना गाइज एक्स्ट्रा फाइबर रहता है, विटामिन सी विटामिन ई रहता है और आयरन रहता है, कैल्शियम रहता है। बच्चों के लिए ऑलिव ऑयल मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है, सो मैं यही यूज़ करती हूँ ग्लाकू के लिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। सो ये प्रेशर अट्टू में मैं थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑलिव ऑयल डाला है, और ये थोड़ा सा ना मैं मोटा प्रेशर अट्टू बनाती हूँ, डोसा टाइप का नहीं बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्रंची होने पे ना उसको खाने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा कैरेट और बीट रूट भी डाल देती हूँ ग्रेट करके, इसके अंदर नमक नहीं रहता है ना, तो थोड़ा सा वेजिटेबल्स ऐड करने पे उसको थोड़ा सा टेस्ट आता है। दम आलू कम था ना, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा जैगरी दे दिया। ये लिक्विड जैगरी है, पता है आपको, प्लम जैगरी हम लोग इसको बोलते हैं, झोला गुड़। आलू दम इट्टू खाने की छीलो ना। खजूर की जो पेड़ होता है ना, उसको ऐसे ऐसे काट के हांडी को बांध के रखते हैं, उसमें रस आता है एवरी डे, ठीक है, शायद इसी टाइम पे होगा, तो उस रस को भी आप ऐसे खा सकते हो। और उस रस में ना उसको अब कुक करते 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 ऐसा गुड़ बन जाता है, इसको हम लिक्विड जैगरी बोलते हैं, झोला गुड़ बोलते हैं, तो ये आप खा सकते हो। इसको अगर आप और कुक करोगे माना, तो आपका बन जाता है नोलेन गुल प्लम जैगरी। उसका टेस्ट नॉर्मल जैगरी से बहुत बेटर होता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है, ये आई थिंक वेस्ट बंगाल में शायद ज़्यादा फेमस है, नहीं पता मुझे, हम लोगों को तो उधर ही मिलता है ज़्यादा, तो अगर आप वेस्ट बंगाल जा रहे हो विंटर में ये ज़रूर ट्राई करना। कुछ दिनों से पता है गाइस हमेशा ना रात को हम लोग बहुत डर के रहते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे हम लोग भी सोए रहते हैं, नींद में रहते हैं गहरी, तो ग्लाकू ना उठ के ऐसे किनारे पे आ जाती है, और बच्चे लोगों को उतना सेंस नहीं होता है कि गिरने पे मुझे लगेगा, मेरा सर फूट जाएगा, वो लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने एज अ पेरेंट सेफ्टी पर्पस उसके लिए मैंने लिया है लव लैब का बेट रेल गार्ड। इसका जो फ्रेम है वो स्टील का है एंड बहुत स्ट्रांग है, बेबी इसको आसानी से तोड़ नहीं सकता है। इसका जो ब्रीदेबल मैश पैडिंग है ना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक तो बेबी को देख सकते हैं कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है इसके अंदर, सेकेंडली आप बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर एक ऐसे कवर हो जाता है ना तो और ज़्यादा गर्मी लगता है, तो ऐसे फैब्रिक के लिए आपको गर्मी नहीं लगेगा। एक्चुअली ये बहुत अच्छे से ब्रीद करता है, ब्रीदेबल फैब्रिक है। इस बेड रेल गार्ड का हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। इट इज़ ईजी टू असेंबल इंस्टॉल एंड ईजी टू रिमूव, ईजी टू फोल्ड फॉर कॉम्पैक्ट स्टोरेज, आपको घर पर ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है इसको रखने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये लॉक हो जाता है, आप चाहे तो इसको नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकता है, पर आपकी जो बच्चा है ये एकदम सेफ रहेगा, इस लॉक को ये खोल के ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, तो इसीलिए बेबी का फॉल डाउन होने का चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाता है। घर पे एक छोटा सा पॉकेट स्टोरेज है, इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीज़ें हमें रखनी पड़ती है, सो मैं इसमें थोड़ा सा डायपर और उसका एक पानी का बॉटल रख चुकी हूँ। इधर पे एक जिप है, इसको आप खोल के वॉश कर सकते हैं इस फैब्रिक को। इस रेल गार्ड का दोनों साइड पे ऐसे बटन्स है, और इस बटन को प्रेस करके आप इसको नीचे कर सकते हैं, एकदम नीचे तक। ग्लाकू बहुत खुश है क्योंकि ना उसको हम लोग
थोड़ा सा इधर जाने में पकड़ लेते थे क्योंकि गिरने की चांसेस रहती है, तो इधर पे वो पूरा साइड पे आ रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं कि मम्मा मुझे मना नहीं कर रही है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग एक बार चेक कर लेना, जाओ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं इनके घर फाइनल करने, है ना? बोला उसके बाद ये लोग गृह प्रवेश में हमें बुलाएंगे। ए निशा नि ओ ये जो भाबे ये जो, अरे ग्लॉगो के लिए नारियल पानी ले लो। आपको तो पता है कि अनिर्वन मुझे कितना फोर्स फीड कराता है कोकोनट वाटर के लिए, पीना पड़ रहा है मुझे। मुझे प्रेगनेंसी के बाद से ना कोकोनट पानी देख के उल्टी आ गई, हो गया एवरी डे नारियल पानी पीना पड़ता था। ग्लॉकू ने नहाया नहीं है, अनिवन बैठ गया है मलाई खाने, बोलो है? खिला कितने हमने? एको नहीं खावे? तो मलाई खिला रहे हैं। मलाई नहीं खावे। हमरा ये मतलब हेवी लाइट। खाओ तारातारी खाओ दाहली होवे। उनको मैंने सजा दिया है, बचपन में मैं हमेशा उसको पुकारती थी कि आ खेलने के लिए आ, सुमन की आंटी जो थी, अभी सुमन नहीं आएगा, उसको पढ़ने दो, तुम जाओ। उसके लिए उसको सजा मिला है, ग्लॉकू विदाउट डाइपर सुमन के गोदी में है। बहुत ही रिस्की का नाम बता दूं क्या? क्या क्या मेरा? तो मैं भी बता दूंगा वो वाला स्टोरी, टॉई टॉई वाला भी फिर आ जाएगा, मेरा नाम बताने पे वो भी आ जाएगा। हमारा एक स्टोरी दे दी तू ही, तो हमारा एक नाम भेज दी, क्या वजह से मोड़ गया था? नंबर वन नंबर टू कुछ मत करना, करोगे नहीं? सिंह जी को ये पसंद है। शाम को मैंने बोला ना एक बर्थडे पार्टी है, जिसके लिए मैंने गिफ्ट लिया था, शी का बर्थडे है, उसको ना यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। ये एक पेंसिल बॉक्स है, पर ये इतना बड़ा है, मुझे लगता है इसमें टैब भी आ जाएगा, तो इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत चीज़ें खरीद के लेके आई हूँ। ये कुछ स्टिकर्स है, मतलब खाली देना अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए स्टिकर्स दो लिया है मैंने और दो पेंसिल लगाया है। अभी छोटी बच्ची है ना, पेन यूज़ नहीं करती है। इधर पर एक शार्पनर है, एक इरेजर है और ये एक स्केच पेन का सेट है। इसके अंदर दो चॉकलेट भी डाल दूंगी, भरा रहना चाहिए बॉक्स, अच्छा लगेगा शायद इसको। और ये वाला एक्चुअली मेन गिफ्ट है, ये है एक स्टील का ना टिफ़िन बॉक्स का सेट है। इसके अंदर ना गर्म पानी डाल के इसको ऐसे टिफ़िन देने पे उस ये गर्म भी रहेगा। इसका लिंक है मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगी इनकेस आपको चाहिए। तो ये वाला एक टिफ़िन बॉक्स है, पर मुझे लग रहा है कि वो खोल पाएगी ना, 3 साल की बच्ची है तो आई थिंक वो खोल पाएगी। तो ये वाला है और ये वाला। सो रूपा मुझे बोल रही है कि मुझे दे, मैं पैक करके देती हूँ। बहुत लेट हो गया है, मैं जा रही हूँ नहाने, ग्लॉकू को खिला दिया है, अनिवन उसको ठीक ठाक कर रहा है, कपड़े चेंज करा रहा है, डायपर चेंज करा रहा है। मैं नहा के आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या बनाया है। बस मैंने बनाया, ये मम्मी ने बनाया है अंडा करी, ये तो पतला करके बना दिया है मम्मी ने, क्या कर सकते हैं। सो मैंने ये बनाया है, ये लौकी दाल है, मूंग दाल और ये सलाद और ये परवल फ्राई तो बहुत कम हो गया है, एयर फ्रायर में दिया था छोटा छोटा बन गया है। हम लोग अभी कर लेते हैं लंच, उसके बाद हम लोग ग्लॉकू मामी के पास है, मतलब रूपा के पास, अनिर्वाण और सुमन क्या सब कर रहा है। सो मुझे थोड़ा सा टाइम है, मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, मेरा तो कोई छुट्टी नहीं है ना, अनिर्वाण का छुट्टी है आज, उसके बाद रेस्ट भी नहीं ले पाऊँगी, रेडी होना पड़ेगा। इस बार कोलकाता से हम लोग क्या लेके आए थे, इसका क्या नाम है? कद्दूबिल। हाँ मम्मी ने करके दिया है, रूपा सुमन सब लोग खा रहे, मैं और सुमन बचपन में ऐसे चोरी करके खाते थे, नहीं मिली चोरी करके अपनी लेके आती थी, वो नमक लेके आता था। हाँ मैं एडिटिंग कर रही हूँ, सुमन बोल रहा है इतना सा दे दो कल जाके खत्म करे। मैं इतनी खाती थी ताकि ये खट्टी चीजें खत्म ना हो, मुझे इतना पसंद है, अभी रेडी होना है मुझे, बर्थडे पार्टी है ना, जल्दी से खत्म करो, कितना बाकी यार, बात ही नहीं कर पा रहे, इतना खट्टा है। बहुत खट्टा है। मैं हो गई हूँ रेडी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने साड़ी पहना है। हमारी बहन को मैंने टास्क दिया कि डायपर निकालो, उधर डायपर रहता है क्लॉकू का, ए ऑटो बोलो ना बे, और जो चाटे ही ना बैगे, क्लॉकू के डायपर बैग में डायपर खत्म हो गया है, क्लॉकू का खाना लेना है, सुमन रूपा चले गए हैं, तो हम लोग अभी निकलेंगे पार्टी पार्टी के लिए। देखो आप ग्लॉकू का ड्रेस,
लौका सिंह की लाचे यो यो हनी सिंह लाचे यो देखो हनीवन कैसे लग रहा है। सबसे पहले देखो लौका ही कैसे लग रहा है। लौका ही तो बहुत ही चुंजू। आज मम्मी का ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है। की को ले पसंद आया दीजिए। देखे करो नहीं सो दी के नए शाल ये मुश्किल। देखो मम्मी का कैसा है। अच्छा है ना। अच्छा है। पर तू चादरटा नियो ना खूब बाजे रख दे। और आप लोग मनोषिता को देखो। हां और ये इतनी तो हमें भी भूल ही गई थी ना। ओ माय गॉड। और ये पहन के मनोषिता ने अभी-अभी एक रील्स भी शूट किया है। जो लोग फॉलो नहीं करते हैं प्लीज गो टू Instagram। हां ग्लैम विद मी मी में डबल ई ठीक है। ग्लाउ का भी एक रील्स डाला था आप लोग देखना अच्छा लगेगा। आई निकल गए हैं हम बर्थडे पार्टी के लिए। इन्फिनिटी मॉल और हम लोग जा रहे हैं राय संबुल के एक रेस्टोरेंट पे। उधर ही है बर्थडे पार्टी। ग्लाकू सो गई है और पूरा स्वेट कर गई है इसके वजह से उसका ठंड लग जाता है। पूरा एकदम इतना स्वेट किया है। स्वेटर भी नहीं पहनाया है मैंने फिर भी स्वेट कर रही है। 7 बजे केक कटिंग टाइम था हम तो पहुँच गए। अरे ग्लाकू लंबी हो गई है उसका पैर बाहर आ गया है। ए बेचारा का पैर बाहर हो गया। का ऊपर उठना जब है ना हम लोग ना पिछड़ गए। एक्चुअली लिफ्ट में बिल्कुल जगह नहीं है तो एक एक पर्सन करके आ रहे हैं। मम्मी ऊपर आ गई है अभी मैं आई हूँ। नीचे अनिर्बन है फ्रेंड्स है वो लोग आएंगे एक एक करके। और किधर से जाना पहुँच गए हम लोग बर्थडे पार्टी पे। बर्थडे पार्टी पे आते ही देखा इतना बड़ा सा एक बॉक्स था। फिर पता चला कि वो केक का बॉक्स है। हम ही ना कुछ ऐसे केक्स लेंगे क्योंकि फोंडेंट केक ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इन लोगों ने ना फोंडेंट केक नहीं दिया था पर फिर भी ये इतना सुंदर था देखने में। स्पेशली हम लोग फोंडेंट केक इसीलिए लेते हैं ना देखने के लिए अच्छा लगता है उसी लिए। पर ये क्रीम केक था बहुत टेस्टी था बहुत ही देखने में भी सुंदर था। सो ये केक को ना ओपन करने में काफ़ी तकलीफ हो रहा था क्योंकि इधर पे एक कुछ टेप से ना वो चिपका हुआ था ताकि वो हिल ना जाए गाड़ी में आते वक्त। पर वो निकालने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था तो सब लोग पकड़ के ऐसे खड़े थे। फिर अल्टीमेटली केक बाहर आया। देखो कितना सुंदर केक है। श्री का बर्थडे था 3 ईयर्स का बर्थडे था। और रिया श्री और श्याम ने जो उन लोगों का ड्रेसिंग सेंस है ना मैं क्या बताऊँ। और तीनों इतने सुंदर लग रहे थे ना सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ है ना। इनके साथ एकदम मैच करता है। सो हम लोग भी वेट कर रहे थे कि हमको भी केक टेस्ट करना है ग्लाकू को भी टेस्ट करना है। अनिर्बन और ग्लाकू तो पास में ही खड़े हो गया। मैं बोल रही थी तुम हटो उनके पिक्चर लेने दो मुझे। फिर अंकल आए झीली के मम्मी पापा। और अंकल को ना बहुत ग्लाकू पसंद कर रही थी। क्यों पता है क्योंकि एक तो उनके पास चश्मा था सेकेंडली उनके पास मूंछ था। उसको मूंछ बहुत पसंद आते हैं पता नहीं क्यों। पर गोदी में किसी की नहीं जाएगी देखो सबके ऐसे हाय हाय करेगी मतलब सबको प्यार करेगी दूर से गोदी में नहीं जाएगी पता नहीं क्यों। मुझे बहुत एम्बेरेसिंग फील होता है किसी की गोदी में नहीं जाती है। तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर रही थी सर्व करने में। उसके बाद मेरे हाथ में केक लग गया था सो मैंने स्पून ले लिया ऐसे हाथों से खाना स्टार्ट कर दिया। मैं मुझे भूख भी बहुत लग गया था। सब लोग बोल रहे थे केक बहुत टेस्टी है टेस्टी है। और मैं अनिर्बन को बोल रही थी कि मेरा एक वीडियो ले लो प्लीज़। फिर अनिर्बन बोल रहे थे अरे वीडियो ही तो ले रहा हूँ ना। फिर मैंने अनिर्बन को बोला कि तुम भी थोड़ा टेस्ट करो। क्लॉकू अनिर्बन की गोदी में था उसके बाद मैं उसका प्लेट देती उसे। पर उसको टेस्ट कराने का जो मेरा मतलब इच्छा था उसमें पूरा पानी फिर गया क्योंकि उसने पूरा ही घुस गया मुंह में के। सब लोग बोल रहे थे ये तो मगरमच्छ का हाय पूरा के घुस गया। फिर मैंने और एक केक लिया। पूरे बर्थडे पार्टी में ना लोग मुझे पता नहीं क्या समझ रहे थे ये इज आवर बर्थडे गर्ल श्री क्योंकि मैं हमेशा चीज़ें मतलब मेरे लिए ग्लाकू के लिए अनिर्बन के लिए तीनों के लिए ले रही थी और इतना इतना खाना ले रही थी। सब लोग सोच रहे थे कि ये इतनी सी लड़की पतली सी एक इतने सारा खाना अकेले कैसे खा रही है। सूप भी मैंने ग्लाकू के लिए लिया था। एक्चुअली बच्चे का बर्थडे पार्टी था तो उन लोगों ने स्पेशली बोला था सूप बनाने के लिए एकदम लो स्पाइस। सूप में तो वैसे भी स्पाइस नहीं रहता है सॉल्ट भी बहुत कम था। तो फर्स्ट टाइम ग्लाकू ने सूप खाया और एक्चुअली मैं उसका खाना लेके आई थी पर क्या है ना आपको पता है ठंडी का मौसम है और ग्लाकू को वैसे भी गर्म खाना पसंद आता है। देखो गर्म गर्म सूप अनिर्बन नहीं पी पा रहा है ग्लाकू पी रही है।
उसके बाद मैंने देखा कि उधर पर रोटी भी है, आटे का रोटी था, तंदूरी रोटी था पर आटे का था, तो मैंने उसको थोड़ा सा तंदूरी रोटी और सूप पिला दिया और ग्लाकू आराम से उसको खा गई। और स्टार्टर में मतलब हमारे लिए चिकन था, पनीर था और भी कुछ था शायद, हाँ क्रिस्पी कॉर्न था, और चिकन का टेस्ट जो अच्छा था सबका, मतलब हर एक आइटम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये पनीर था और मगरमच्छ के मुंह में एक ही गया क्योंकि अनिर्बन को सब लोगों ने बोला था और उसको शर्म आ गई थी। मुझे नहीं लगता शर्म आई होगी उसको, उसको खाने के ऊपर कभी शर्म नहीं आती है, आता है सॉरी। सो बहुत स्पाइसी, और मतलब स्पाइसी मतलब जितना होना है, बहुत टेस्टी खाना था। ये आ गया हमारा क्रिस्पी कॉर्न। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि अरे ग्लाकू का बीप्स मैं अल्लाह अल्लाह लिया ही नहीं घर से, और सारा खाना स्पेशली सूप खा रही थी ना तो गिर रहा था, तो इसीलिए ये लव लैब का देखो डिस्पोजेबल बीप्स है, तो ये ना आप आसानी से डाइपर बैग में रख दो, एकदम एक टिश्यू पेपर जैसा स्पेस लेता है, बहुत ही कम स्पेस में आ जाता है, डिस्पोजेबल भी है, यूज़ करो फेंक दो। तो ये बीप्स मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा ये डाइपर बैग में ये कैरी करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल बीप्स जो है ना डाइपर बैग में लेना मुश्किल होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी गाइज, अगर छोटा बेबी है आपका खाना गिराता है तो इसको एक बार ज़रूर यूज़ करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये देखो ग्लाकू थोड़ा सा मैं रोटी दे रही थी तो आराम से रोटी खा रही थी, इधर उधर देख रही थी कि अरे और क्या है और क्या है। ये देखो ये पनीर है, ये चिकन है, क्या मतलब नहीं ढाबा चिकन, और है चिकन रोस्ट, चिकन रोस्ट बहुत टेस्टी था, कुलचा था, नॉर्मल रोटी था, और ये था बिरयानी। और देखो बिरयानी कितना सारा लिया मैंने, जो सर्व कर रहे थे ना बुफे में वो भी मुझे देख के ऐसे हैरान हो गए कि इतना सारा बिरयानी खाओगे आप। तो एक्चुअली क्या है ना कि अनिर्बान के लिए मैं लेके आ रही थी, उसको बिरयानी बहुत पसंद है, थोड़ा सा ज़्यादा ही खा लेता है तो इसीलिए, और मैं अनिर्बान के साथ खाते खाते इतना खा गई ना कि मम्मी मुझे बोल रही थी, और मेरा पेट में जगह नहीं था, लास्ट में गुलाब जामुन था, और झिलिक बोल रहे थे गुलाब जामुन के साथ आइसक्रीम ट्राई करो बहुत अच्छा लगेगा, रियली बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग भी एक बार ट्राई करना हॉट गुलाब जामुन और ठंडा ठंडा आइसक्रीम। हो गया सब, हमारा बर्थडे पार्टी इज़ ओवर, बहुत मौज मस्ती किया, और अनिर्बान इतने रोमांटिक हो गए, तो मैं क्या बताऊँ, इतना रोमांटिक भरा पिक्चर क्लिक किया ना हमने, मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो घर आ गए हैं हम लोग, पर आते आते ना ग्लाकू को भी गिफ्ट मिला है, बर्थडे किसी और का था पर गिफ्ट ग्लाकू को मिला है, एक तो रिटर्न गिफ्ट है और मैं दिखाती हूँ क्या है, मुझे भी नहीं पता, बहुत सुंदर सा ऐसे एक पेपर बैग में दिया है रिया ने, रिया की चॉइस मतलब वाओ, ये कुछ ब्लॉक्स है ऐसा, एक टॉय है शायद, बहुत सुंदर है, कल दूंगी लोगों को, इससे ना उसको कलर सिखा सकते हैं हम, पर कौन सिखाएगा, नहीं बंदा नहीं सिखा पाएगा तो खुद ही कलर ब्लाइंड है। अच्छा है देखो, ऐसे ब्लॉक्स है कलर्स है, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, बहुत अच्छा गिफ्ट है। अच्छा और एक गिफ्ट, अच्छा मुझे ना झिलिक ने एक्चुअली वो आए थे न्यू मार्केट से, कोलकाता से आने के टाइम पे सबके लिए एक सब प्लाजो लेके आया था, छोटा छोटा मतलब शॉर्ट प्लाजो, छोटा वाला जो प्लाजो होता है ना वो कॉटन का, बहुत कंफर्टेबल है, मैं पहनूंगी ये, और एक बैग भी दिया था, ये एक्चुअली शुमी के घर में था तो हुआ ही नहीं था कि लेके आए, देर हो गया, लेते लेते एक दो महीने हो गया लेते लेते, काली पूजा के टाइम पर लेके आए थे तो, और ये एक बैग भी दिया था, इसमें मैं मेकअप पाउचेस सारे, मेरा वो ख़राब हो गया है उसमें रख सकती हूँ, अभी देखते हैं और ये वाले गिफ्ट में क्या है। सो प्रिटी ना, ये ग्लाकू के लिए एक फ्रॉक दिया है काकी माँ ने, देखा अनिर्बान के। तो गाइस ब्लॉग को इधर एंड करते हैं, हम सुपर डुपर टायर्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।